नमस्ते दोस्तों, अज पा डिस्कशन कदासी वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। इन वीडियो में मैं सभी का पे कम कि वर्चुअल फंक्शन कड़ी कड़ी गाल पा ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल प्रोग्राम और यूएमएल डायग्राम। वरी पा डिस्कशन कदासी प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और उन प्रोग्राम जो यूएमएल डायग्राम। दोस्तों, तुझे मुझे वीडियो अगर सुठो लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। वर्चुअल फंक्शन जो छा थींदो आ, सी प्रोसेस में और सी शार्प में वर्चुअल कीवर्ड की मदद से पढ़ रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, जिनके पढ़ चंदा है डायनेमिक या लीड बाइंडिंग। पान के वर्चुअल कीवर्ड तरह ही रिक्वायर्ड रहंदो आ जने पेरेंट क्लास जो पॉइंटर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के पॉइंट करे और ओवररिडन फंक्शन की कॉल करे। ओवररिडन मतलब जेको फंक्शन पेरेंट और चाइल्ड बिन्हीं में होजे। अगर अपना वर्चुअल यूज न कंदासी तो पंजो सी प्रोसेस कंपाइलर कंपाइल टाइम या स्टैटिक लिंकिंग कंदो, जिनके कारण सा हमेशा पेरेंट और फंक्शन कॉल थी दो, चाइल्ड जो फंक्शन कॉल न थी दो। हाने किन किन टैलेंट जो पण के ध्यान रखनो आ, जरे पण के केड़े फंक्शन जी रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म करनी होजे तो पण के पेरेंट क्लास जे फंक्शन में वर्चुअल कीवर्ड लगानो पंदो आ। वर्चुअल केवल ओवररिडन फंक्शन ते वर्क करदा, ओवररिडन फंक्शन ते वर्क न करदा। जावा में वर्चुअल की जरूरत ना है, क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करदा। पेरेंट जो पॉइंटर चाइल्ड के पॉइंट कर सके थो, लेकिन पर उल्टो न था कर सके। हाँ, समय चुके पर ना प्रोग्राम ठाए, ता प्रोग्राम ठाले कोड ब्लॉक्स टर्बो सी सी प्रोसेस या बे कोई कंपाइलर यूज कर सको था। मां है तो यूज तो क्या कोड ब्लॉक्स, तो तांज ले मैं प्रोग्राम ठा रखी है। प्रोग्राम के दिसो मैं इतने क्लास ठाई है ए, जिमें मैं ठा शो फंक्शन। इन में मैं रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने लाए वर्चुअल कीवर्ड जोड़ तो छा। हाँ अपन ठाया क्लास बी, जो ए के इनहेरिट तो करे, इतने अपन वरी शो फंक्शन ठायासी। हाँ ही फंक्शन और ही फंक्शन आपस में मैच था करन, तो ही कहलाइन ओवर राइडिंग या फंक्शन रीडेफिनेशन। इतने अपन मैसेज में कचड़ोसी बी शो। इतने पर एक बो शो फंक्शन ठाया, लेकिन इतने पर पैरामीटर चेंज किया, तो ही ओवरलोडिंग थी। मेन प्रोग्राम में पा ए जो ऑब्जेक्ट ठायासी और ए का पुछोसी ओबीजे वन का कि तू पे शो कॉल कर, तो ए क्लास जो शो फंक्शन कॉल थी। पा बी जो ऑब्जेक्ट ठायासी और ऑब्जेक्ट का पुछोसी शो फंक्शन, तो इतने सी टी पे अप्लाई थी, क्योंकि डायरेक्टली पा ऑब्जेक्ट खाता पुछो। हाँ मैं इतने पॉइंटर इंट्रोड्यूस किया ए क्लास जो, जिनके पा चल पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। पॉइंटर के पढ़ा चाहिए कि तू ओबीजे वन के पॉइंट कर और जिनके तू पॉइंट तो करी उन्हें शो फंक्शन। ये जो का साइन में यूज करें कि चाहे चाहे वो इंडायरेक्शन ऑपरेशन है ना, कि अपने ये लिख सकूं पे। हाँ पॉइंटर के चाहिए कि तू ऑब्जेक्ट टू के पॉइंट कर, जो कि बी क्लास जो आ। दोस्तों हाँ ये सब का महत्वपूर्ण लाइन आ, पॉइंटर ए क्लास जो जबकि पॉइंट तो करे वो बी क्लास जो ऑब्जेक्ट है। इतने चूंकि पढ़ा वर्चुअल लगा रखे हुआ तो सही फंक्शन ही कॉल थी। हाँ इनके पा कंपाइल था क्यों रन था क्यों, तो पहले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से आयो ए शो और बी शो, तो पॉइंट का शो पूछो तो चाहिए ए शो, वरी चाहिए बी शो। दोस्तों मैं तक इतनी वर्चुअल हटाए तो दिखाया कि वर्चुअल हटाने से अच्छा दिक्कत आई, इनके वरी था कंपाइल क्यों और रन था क्यों, तो अंतिम लाइन अगर दिसूँ तो गलत मैसेज तो अचे, इतने अच्छा खपे बी शो लेकिन अचे तो ए शो। हाँ दोस्तों इनके पा यूएमएल डायग्राम से समझो कि पा क्यों पा क्लास ए ठाईसी, जैमें पा शो फंक्शन की वर्चुअल रखी और ए शो डोसी। बी क्लास में भी पा शो फंक्शन ठायासी और बी शो डोसी, तो ये ओवर राइडिंग हुई। इतने एक बो शो फंक्शन जैमें इन टेक्स लिख लो तो ये ओवरलोडिंग हुई। पा ऑब्जेक्ट वन का शो पूछोसी तो ये सी टी पी हो, ऑब्जेक्ट टू का शो पूछोसी तो ये सी टी पी हो, लेकिन जैसे अपने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया और पॉइंट के चाहिए ओबीजे वन के पॉइंट कर, तो ना ही वाला शो फंक्शन कॉल किया। उन्हें ही पॉइंट के जब चाहिए कि तू ओबीजे टू के पॉइंट कर, तो ना बी जो शो फंक्शन कॉल किया, जबकि पॉइंटर ए क्लास जो। हाँ दिसो अपना प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में जो पेरेंट क्लास है वो केवल फंक्शन की डिक्लेरेशन दींदो और चाइल्ड क्लास की देनी पड़ी है डेफिनेशन। सिंटेक्स होंगे वर्चुअल रिटर्न टाइप फंक्शन नालो डेटा टाइप पैरामीटर इक्वल टू जीरो,
हेते सबिंग का महत्व इक्वल टू 0 पण कंपाइलर के बुधायम था कि पाइन द फंक्शन जी डेफिनेशन न था जो क्यूल डिक्लेरेशन था जो चाचा गलु ध्यान रखनी वाइन जे क्लास में एक एक का अधिक वर्चुअल फंक्शन हो जन अनेक अपन चलना यो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट न था ठीक सकन लेकिन पॉइंटर पॉइंट है सकन था अगर चाइल्ड क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन जी डेफिनेशन न दी तो वो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी वेंदी हाने दोस्तों मां तंजले नी इंप्लीमेंटेशन तो क्या कोड ब्लॉक्स में मां है थी क्लास ही फ्रूट जेमे लिखियो वर्चुअल वॉइड टेस्ट इक्वल टू 0 तो मां कंपाइलर के बुदा छरी हुआ कि मां केवल डिक्लेरेशन तो जा मां एक ठायो क्लास मैंगो जो फ्रूट के इनहेरिट तो करे हाने ते मां डेफिनेशन लिख छरी कि जो को मैंगो आ वो मिठो थिंदो आ मेन प्रोग्राम में मां एक पॉइंटर ठायो पर डिठो सिंह की एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो पॉइंटर अलाउड आ लेकिन छा अलाउड ना है ऑब्जेक्ट तहते एरर अच्छी गेंदो माहते एक ऑब्जेक्ट है वो मैंगो यो और अन्य का पूछो तो टेस्ट किया रही तहते डायरेक्टली पढ़े एम का पूछो निकाल सीटी पे अप्लाई थियो लेकिन जरे पढ़े पॉइंटर के चर्चे की तो एम के पॉइंट कर और पॉइंटर का पूछो सी टेस्ट तहते कंपाइलर के रन टाइम लिंकिंग करनी पड़ी क्योंकि पॉइंटर का फ्रूट जो जीवर कोई डेफिनेशन आए लेकिन वो पॉइंट किंग के तो करे मैंगो के कहने के पर हाय कंपाइल और रन था कयो तथा ऋषि से होता जने पर सीटीपी को सी तरह मैंगो स्वीट आयो जरी में पर आरटीपी को सी तरह मैंगो ही स्वीट आयो दो सवाल ने पर यूएमएल डायग्राम दिसो पर क्लास फ्रूट है सी जे में वर्चुअल वॉइड टेस्ट लिखियो सी मैंगो ठाओ सी जे में पर मैंगो ही स्वीट लिखियो सी एक पॉइंटर एफ मैंगो जो ऑब्जेक्ट हूं एम का टेस्ट पूछो सी तो ये सीटीपी हो लेकिन जरे पर पॉइंटर के छो सी तू एम के पॉइंट कर उन्हें वो टेस्ट बुधा है तहते आरटीपी अप्लाई थी दोस्तों शुक्रिया था सभी जो मुझे ने वीडियो के सेंड लाए अगली वीडियो में मातांजलि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर वर्चुअल बेस क्लास और फ्रेंड फंक्शन कवर करना शुक्रिया दोस्तों